जैसे विलन के बिना मूवी अधूरी होती है ना, वैसे हील्स के बिना रेसलिंग अधूरी होती है। हील सुपरस्टार हमें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं और हम चाहते हैं कि हीरोज उनको डिफीट कर दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो हील्स को भी पसंद करते हैं। एंड गाइस, हील कैरेक्टर निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हालांकि फेस उससे भी ज्यादा आसान होता है निभाने के लिए। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं टॉप 5 हील कैरेक्टर इस वक्त प्रेजेंट में WWE में। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप भी मेरी तरह रेसलिंग के फैन है यार, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और लाइक मार के अपनी अटेंडेंस लुका देना। माय नेम इज सोहेल, लेट्स गो फॉर द वीडियो बेबी। So guys, जैसे कि मैंने आपको बोला ये लिस्ट टॉप 5 है, ऐसे में कुछ सुपरस्टार बच जाते हैं जो जगह नहीं बना पाते लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ हील में। सो पहले थोड़ी सी मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। बैरन कॉर्बिन, यार ये बंदा जब से आया है हील ही बना है। एंड गाइस, बैरन कॉर्बिन वो हील है जिसको 90% ऑफ द लोग नफरत करते हैं। चलिए अगले सुपरस्टार पर चलते हैं जो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, AJ स्टाइल। अगर AJ स्टाइल अपनी जगह नहीं बना पाए लिस्ट में, आपको पता होगा कि फिर कितनी मुश्किल लिस्ट होगी ये वाली। गाइस, AJ स्टाइल वो बंदा है, अगर आप इसे फेस बोलोगे बनने के लिए तब भी 100% रिजल्ट लेके आएगा, अगर हील बोलोगे तब भी। लेकिन इस वक्त इनको थोड़े से सुपरस्टार ओवरशाइन कर चुकी है। चलिए अगले सुपरस्टार की बात कर लेते हैं जो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन का करियर 2020 में चेंज हो गया, पहले फेस बनते गए, अब एकदम से हील हो चुके हैं, फिर रो अंडरग्राउंड में चले गए। ब्रॉन ही नहीं और भी ज्यादा बहुत ज्यादा सुपरस्टार है, बॉबी लैशली, MVP, सैमी ज़ेन। तो चलिए हम चलते हैं सीधा नंबर 5 सुपरस्टार पर जो बहुत ही अच्छा हील बना है प्रेजेंट में। नंबर 5 फीड। यहां पर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि फीड फेस बनता है या फिर हील बनता है। मैं आपको बता दूं, ये हील बंदा है। इसका रीजन भी अभी निकला है, आपको पता होगा फीड ने अटैक किया है केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस फेस सुपरस्टार है तो फीड हुए हील। एंड गाइस, जो अलेक्सा ब्लिस वाली स्टोरी लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव है, इसलिए इनको हील रखा गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे नहीं है इसलिए नंबर 5 पर रखा गया है। एंड गाइस, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका फेवरेट हील ऑफ ऑल टाइम WWE का क्या है कमेंट्स में जरूर बताएगा, आपको पता है मैं हार्ड भी देता हूं। सो नंबर 5 की बात हो गया, अब आते हैं नंबर 4 पर, द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। गाइस, ये सुपरस्टार में बहुत ज्यादा टैलेंट है, आई थिंक बेस्ट गिमिक ऑफ 2020 जाना चाहिए सेथ रॉलिंस के पास फॉर द मंडे नाइट मसाया। एंड गाइस, इंटरेस्टिंग बात क्या है इस कैरेक्टर की, मतलब गॉड जैसा ये थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, लेकिन सेथ रॉलिंस बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं मंडे नाइट मसाया का कैरेक्टर, इसलिए बहुत ज्यादा कैरेक्टर कामयाब है। आई थिंक ये वाला जो गिमिक है सेथ रॉलिंस का बेस्ट गिमिक है अथॉरिटी वाले गिमिक के बाद। वैसे गाइस, सेथ रॉलिंस के बहुत ज्यादा गिमिक है, आपका फेवरेट कौन है, क्या वो बीस्ट स्लेयर है या फिर मंडे नाइट मसाया या फिर अथॉरिटी वाला, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4 की बात हो गया, बताते हैं नंबर 3 पर, आपको क्या लगता था लड़कियां नहीं होगी इस लिस्ट में। लड़कियों में फीमेल रेसलर्स में बहुत ही कम हील कैरेक्टर अच्छे से निभा सकती हैं, वो है बेली। गाइस, WWE ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया बेली के साथ, पहले हगर सेक्शन वाला इनका गिमिक होता था लेकिन एकदम से हील बना दिया। यस गाइस, बेली बहुत ज्यादा टैलेंट है, ताकि उन्होंने हगर सेक्शन जो कि बहुत ही ऑपोजिट गिमिक है जो उनका प्रेजेंट वाला है, लेकिन फिर भी हील वाला कैरेक्टर और भी अच्छे से परफॉर्म किया। पहले किया साशा बैंक्स के साथ, फिर किया साशा बैंक्स के खिलाफ। सो गाइस, नंबर 3 की भी बात हो चुकी है, अब आते हैं नंबर 2 पर, आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे, रोमन रेंस। गाइस देखो, मेरा क्या है, मैं वीडियोस बना देता हूं, मैं नंबर 1 पर रख सकता हूं रोमन रेंस को एंड आप सब उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे, स्पेशली रोमन रेंस के फैंस। लेकिन गाइस, मैं बोलूंगा यहां पर सच और बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी रैंडी ऑर्टन के लिए अगर मैं नंबर 1 पर रोमन रेंस को रख देता हूं। एंड गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस बहुत ही अच्छे हील नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन मिला रोमन रेंस को, लेकिन थोड़े से पॉइंट से आगे बढ़ चुके हैं रैंडी ऑर्टन। यहां पर कोई शक नहीं है कि रोमन रेंस अच्छे हील नहीं है और बहुत ही ज्यादा अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और बहुत ही अच्छी एक्टिंग के द्वारा रैंडी ऑर्टन को बहुत ही ज्यादा अच्छा हील बना दिया है WWE ने। आई थिंक 2020 का मेरे मुताबिक यहाँ पर रैंडी ऑर्टन बेस्ट हील एवर है प्रेजेंट में। ये तो मेरे मुताबिक था, आप भी कमेंट्स में बता सकते हो क्या रोमन रेंस ज्यादा अच्छे हील हैं या फिर रैंडी ऑर्टन। गाइस, रोमन रेंस को मैं नंबर 1 पर रख के कमेंट्स, व्यूज और लाइक्स भी पा सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती रैंडी ऑर्टन के लिए। यही थी लिस्ट, कैसी लगी आपको सब्सक्राइब मार देना अगर आपको मेरी सच्चाई अच्छी लगी है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और लाइक मार के अपनी अटेंडेंस लुका देना। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।